कि मेरे हिसाब से कान्स द वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब पूरे वर्ल्ड के सिनेमा के लोग आते हैं और वहाँ पे एज बॉलीवुड को रेप्रेजेंट करके डांसिंग के वहाँ पे रेप्रेजेंट करके बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप इट गोज वेल. बहुत सारे अलग एक्सपीरियंस होते हैं. पिछली बार मैं दो बार जा चुका हूँ और एक्सपीरियंस दोनों बार अलग रहा. पहली बार जब गया था तब तो जस्ट नॉर्मल मीटिंग पीपल रहे होता है टेस्टिंग ग्राउंड थे. सेकेंड टाइम जब गया तो हमारी यहाँ पे एक टॉक थी. इस बार जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमारा एक लेक्चर होने वाला है वहाँ पे which is about how the trends in dance have changed over the period of time in Bollywood. तो पहले कैसे हम लोग फोक और क्लासिकल बेस होते थे. इमेजिन आपने देखा जयंती बाला सबने बहुत फोक पे और क्लासिकल पे उड़ा बहुत परफॉर्मेंस किए थे. अभी बहुत हिप हॉप कंटेम्प्रेरी मॉडर्न डांस फॉर्म्स आ गए हैं. तो क्यों चेंज हो रहा है और उसका किस तरह से डेवलपमेंट होगा आगे उसके बारे में बात. परफॉर्मेंस नहीं है पिछली बार परफॉर्मेंस हुआ था. इस बार इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग एंड टॉकिंग अबाउट सिनेमा एंड डांसिंग. क्या प्रिपरेशन चल रही है उनके लिए. क्लोथ डिजाइन करना हमेशा बहुत आसान काम है बिकॉज वो हमें पूरा ट्रस्ट करते हैं. हमारे डिजाइन को ट्रस्ट करते हैं, हमारे जजमेंट को ट्रस्ट करते हैं. तो उनके लिए डिजाइन करना इट्स अ प्लेजर फॉर अस. और उनकी एक तो पर्सनैलिटी इतनी इट्स अमेजिंग दैट वी डोंट नीड टू डू टू मच विद द क्लोथ. क्लोथ हम काफ़ी सिंपल लगते हैं, उनके स्टाइल सिंपल लगते हैं. जस्ट कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सेसराइजिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो दैट्स इट. वी हैव डिजाइंड कपल ऑफ सेवन लुक्स फॉर हिम एंड गिवन हिम डिफरेंट वैरायटी ऑफ लुक्स इंक्लूडिंग इंडियन एथनिक लुक फॉर दिस. बट वी हैव स्टक टू क्लासिक लुक्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. संदीप जी किस तरह के स्टाइल ट्रीटमेंट को फॉलो करना पसंद करते हैं आप रियल लाइफ में? वेल आई डोंट थिंक सो एनी पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो करता हूं. आई जस्ट डू व्हाटएवर आई फील इज राइट एंड हमेशा से चाहे वो डांस फ्लोर पे हो चाहे वो फैशन के तौर पे हो आई जस्ट वेयर व्हाट आई फील इज. अगर सिनेमा की बात करें तो कांस में जा रहे हैं, अलग अलग तरह के सिनेमा आएंगे. तो आपके अगर सिनेमा की सेंस की बात करें तो किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं आप, किस तरह के सिनेमा पसंद करते हैं? बॉलीवुड रॉक्स एवरीवेयर चाहे हम हिंदुस्तान में या कहीं पर भी. आई थिंक बॉलीवुड जिस तरह से ट्रेंड बना है, जिस तरह से लोगों ने इंटरनेशनली बॉलीवुड को प्रेज किया है, आई थिंक किसी भी सिनेमा को इतना प्रेज आज तक नहीं मिला. इवन हॉलीवुड फिल्मों को हिंदुस्तान पहुंचने बहुत टाइम लगा और हम लोग बहुत ही जल्द लोगों के दिल पर राज कर चुके हैं. आई ओनली लव बॉलीवुड. छोटी फिल्म है. सर इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट बॉलीवुड में जो आप शेयर करना चाहें? और दूसरा एक कूल हॉट नंबर है. आई थिंक दीस आर टू वंडरफुल थिंग्स. पहली बार मैंने मेरे करियर में किया बिकॉज नॉर्मली आई ऑलवेज डन बॉलरूम डांसिंग फ्रॉम क्लासिक टाइप ऑफ डांसेस बट इस बार एक जैक आइटम नंबर और एक कूल नंबर. आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस. रोमांटिक है एक पिक्चर पर मोहब्बत है क्या चीज, राम मंदिरा जी की फिल्म है ये. उसके ऊपर उसमें आप एक पूरा फुल फुल रोमांस पानी झरने के नीचे एक रोमांस भागे वो होगा. तो उस गाने में डिजाइनिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप पूजा जी से? अगर उस पिक्चर की डिजाइन मुझे नहीं की है बट उसमें पानी के नीचे नहाता है तो क्या डिजाइन होगा आप सोच दीजिएगा. Pooja, can you just tell about the seven outfits, what you have made, any special outfit you have made for him, which, you know, yes. is standing? Yes, we, last time also, we have given him one very close to our culture outfit, which is a Sherwani. And this time again, we have created a Sherwani for him, because he can really carry it off. And he really, with his heart, represents our Indian culture. And it's a very classic, just simple white Sherwani with very, very clean cuts. And just a rose to accessorize it, that is it. I hope that represents India well on an international platform. And all the other looks we have this time created as per international looks and standards as to what people generally wear to red carpets and other events. But we have experimented with accessorizing, which will really bring out his looks and personality. Thank you.
Sandeep, would you like to wear turban as you represent India? I would love to wear turban to represent India, but red carpet के ऊपर कभी-कभी वो लोग typical जो हम very traditional हो जाते हैं वो accept नहीं करते. And I think when you go internationally, it's always good to be proud of your culture. At the same time, not flaunt your culture. So कहीं ना कहीं पे वो जो common blend होता है, that's more important. I think अगर मैंने साफा पहन लिया बड़ा सा और पूरा महाराज से ड्रेसअप करके जाते हैं, it becomes very very traditionally Indian. I think उसमें कहीं ना कहीं पे you have to get world acceptability is a little different. Respecting their sense of dressing and the codes that they follow as well. By the way, they have given us little liberties. Normally they say that you have to wear a bow tie. But because they know our culture is different and we are different people, they have allowed us band galas, they have allowed without a bow, without a tie. So I think kahin na kahin wo humse adjust karte hain, humko bhi kahin na kahin humse adjust karna chahiye, not go very traditional. समर भी आ गया है तो आप किस तरीके का समर में फैशन पसंद करते हैं? अभी तो समर में था मैं मोटा की पैंट पहन कर बैठा हूँ, पर लेकिन I would say कि summer के time पे always good to be cool and relax, especially in Bombay. यहाँ पे तपस्या निकलता रहूँ. And their profession भी ऐसा है पूरा dancing का यहाँ पे all the time you're sweating. So I think be more cool, more relaxed as best. So from Bollywood there are a lot of celebrities going like near you like Aishwarya is there, Sonam is there. So would you be there along with them? No, I would say Sonam, my student of course, and Aishwarya. They both are wonderful. Legends of Bollywood, and I think दोनों को वहाँ पे respect मिलता है. It's so wonderful, it's so beautiful to see that. Especially Sonam, I would say, because जब वो Sonam में नहीं आई तब से उनको मैंने dance सिखाया था. And today when she's become big star, internationally renowned star, I think it's just so wonderful to see that. हमारा काम अलग है, उनका काम अलग है. वो represent करती है brands को. हम लोग यहाँ represent कर रहे हैं about dance community and dance changes in Bollywood. It's different completely. And choreographer का choreographer, हम तो ज़िंदगी भर यही बैठे रहते हैं इसी में. Star आते हैं, star जाते हैं.